नेक्स्ट है एडिंग केमिकल्स, केमिकल कैसे ऐड करते हैं। एड आयोडीन और क्लोरीन टू वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड केमिकल्स शुड बी करेक्ट। यानी कि केमिकल जो इसके अंदर होता है वाटर के अंदर, वो क्या होता है हमारे, ये सेफ होता है आयोडीन और क्लोरीन, ये जो होता है वो ओके। और उसके अंदर जो प्रोपोर्शन वाटर होता है वो केमिकल शुड बी करेक्ट, मतलब ये करेक्ट होता है हमारी बॉडी के लिए ओके। नेक्स्ट इज सेफ हैंडलिंग ऑफ अ वाटर। स्टोर वाटर इन द क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर टू प्रिवेंट टू फॉर्म बीइंग डायरी। डू नॉट स्टोर इट फॉर टू लॉन्ग, यूज द स्टेट वाटर टू क्लीन योर अंडरसीज वाटर द प्लांट। इसके अंदर क्या है सेफ वाटर, सेफ हैंडलिंग वाटर क्या है, ये जो हमारा पैक वाला जो कंटेनर्स होता है ना, वो डर्टी नहीं होना चाहिए, वो पूरा पहले से साफ होना चाहिए, फिर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पानी है वो स्टोर कर सकते हैं अगर वो क्लीन हो तो ओके। यूज अ लॉन्ग हैंडल लेट टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ कंटेनर इंस्टेड ऑफ अ डिपिंग ग्लास इन विथ योर हैंड। यानी कि कभी भी हमें हमारा जो ग्लास होता है पानी पीने का, वो डायरेक्टली हमें कंटेनर के अंदर नहीं डालना चाहिए। इनके लिए ऐसा एक बाउल आता है, वो डिपिंग ग्लास है, वो हमारे हैंड से पकड़ना है और इसमें डालना, डाल के हमें हमारे ग्लास के अंदर डालना है ओके। नेक्स्ट इज वाटर कन्वर्जेशन। विथ ग्रोथ इन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वाटर हैज इंक्रीज्ड, थस वाटर रिसोर्स आर बीइंग overused resulting in the decrease of underground water level. This has caused storage of water. Water conversion क्या होता है कि उसके अंदर population का जो growth होता है वो क्या होता है, increased होता है yes। और वो हमारे resulting, मतलब हमें जो पानी पीने के बाद जो result आता है वो क्या आता है, अच्छा मतलब वो underground water level होता है, वो फिर भी हमें उसके फिल्टर तो करना ही पड़ता है ओके। नेक्स्ट है वाटर इज अ प्रिसिक्यूस, इट इज थस इम्पोर्टेंट टू सेव एंड यूज इट जेलीक्यूसिस। दी वाइज एंड जेलीक्यूसिस यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कन्वर्जेशन। यानी कि वाटर कन्वर्जेशन वो क्या है, इम्पोर्टेंट जेलीक्यूसिस हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा होता है, सेव रहता है उसके अंदर ओके। उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर कन्वर्जेशन। गिवन बिलो आर सम वेज टू शो हाउ वी कैन कन्वर्ज वाटर ओके। सी क्या क्या कैसे करना चाहिए हमें, हमारा वाटर है वो सेव कैसे करना चाहिए। यूज अ बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ वाटर। अ लॉट ऑफ अ वाटर इज अ वेस्टेड इन अ शॉवर। यानी कि हमें बकेट के अंदर पानी डाल के ही नहाना चाहिए, या ना कि हमें बाथ सावर यानी कि शॉवर का यूज करना चाहिए, इससे हमारी पानी का वेस्टेड होता है ओके। नेक्स्ट है यूज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू वॉश क्लोथ, डू नॉट अलाउ वाटर टू फॉलो अननेसेसरी। यानी कि हमें जितना भी पानी चाहिए उतने ही नेसेसरी में ही पानी यूज करना चाहिए बकेट के अंदर कपड़े धोते वक्त, ना कि हमें चालू के चालू ही रखना चाहिए ओके। नेक्स्ट है डू नॉट कीप दी टैप वाटर रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ। यानी कि हम जब ब्रश करते हैं तो हमें नॉट ये जो पानी का जो टॉप वाटर है वो बंद कर देना चाहिए, है ना, जब हम चाहिए तभी हमें ये खोलना चाहिए ओके, ना कि हमें यहाँ पे खोल के रखना चाहिए। यूज वाटर इन अ बकेट टू वॉश योर व्हीकल एट अ होम। यानी कि जो हमें व्हीकल वॉश करना है तो बकेट के वजह से, मतलब बकेट लेके हम उसे वॉश करेंगे, ना कि हम ये हमारी पाइपलाइन है उससे हम वॉश करेंगे, ये पानी का पूरा वेस्टेज होता है ओके। नेक्स्ट है वाटर प्लांट्स ईयरली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। यूज द वाटर लिफ्ट योर वाटर बॉटल ऑल्सो टू वाटर प्लांट्स। अभी कोई भी पानी जो हमने बचाया है मॉर्निंग इवनिंग के बाद, तो वो वाटर जो हमने सेव किया है वो वाटर हम ये प्लांट को हम पानी दे सकते हैं, ताकि हमारे वाटर का क्या होता है, यूज होता है ना, वेस्टेज नहीं होता है ओके। सो स्टूडेंट, अवर लेसन नंबर 16 इज कंप्लीटेड।